वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल को मतलब मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से ये पटेटो कटलेट बनाना बताऊंगी। बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही इजी तरीके से बनके रेडी हो जाएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने दो बॉईल किए हुए आलू लिए हैं जिनको मैंने छील लिया है, और आलू को हमें ठंडा करके इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो शाम को भी आलू को बॉईल करके रख सकते हैं, जब भी आपको ज़रूरत हो तब आप इनका इस्तेमाल कर लीजिए। तो यहाँ मैंने ये अदरक किसने वाला जो कद्दूकस होता है वो ले लिया है, और इसमें हमने आलुओं को कद्दूकस कर लेना है। आलुओं को कद्दूकस करने से क्या होगा कि जो हमारा जो कटलेट के लिए मसाला हम बनाएंगे ना, तो आलुओं से कोई भी लम्स नहीं रहेंगे। इसमें जो आलू की गांठें रहती हैं हाथों से तोड़ने में, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं रहेंगी, और हमें कटलेट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सारा आलू हमने बातों बातों में कद्दूकस करके रेडी कर लिया है, और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस मिला लेते हैं, मतलब मसाले वगैरह मिला लेते हैं जो भी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें दो हरी मिर्च बारीक चॉप किया है वो डाल देते हैं, और एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज चॉप किया था बारीक बारीक, इसको भी डाल देते हैं। और इसके बाद हम आधा चम्मच भर के डालेंगे धनिया पाउडर। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, फुल वॉच करिएगा, सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो आधा चम्मच धनिया पाउडर डालने के बाद डालेंगे हम इसमें चिली फ्लेक्स, और इसके बाद हम डाल देते हैं इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और सारी चीज़ों को हमें इसमें मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे भी हमारे जो कटलेट हैं बहुत ही टेस्टी बनेंगे। पर मैंने ऐसा कोई भी वेजिटेबल्स एक्स्ट्रा नहीं डाले हैं। रेसिपी बहुत ही इजी तरीके से बनाई है मैंने, इसमें बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने आधा कप लिया है पोहा। पोहा को मैंने पानी में धो लेना है, और धोने के बाद इसमें जो भी डस्ट वगैरह होगी पोहे में वो निकल जाएगी। और अब हम इसको छलनी में छान लेंगे इस तरह से। तो छलनी से क्या होगा, सारा एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाएगा, और जो पोहा हमारा है वो हल्का सा फूल जाएगा और ड्राई भी रहेगा। हमें इसको पानी में भिगो के बिल्कुल भी नहीं रखना है, ये आप गलती बिल्कुल ना करिएगा। तो सारा पोहा हमने अपने आलू में डाल देना है, सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आप चिली फ्लेक्स मैंने डाला है इसमें, आप इसकी जगह पे कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, या फिर आप लाल मिर्च का पाउडर ही डाल सकते हैं। आपकी मर्जी है कि आप अपनी इसमें लाल मिर्च का पाउडर कैसे डालना पसंद करेंगे। तो सारा कुछ हमने मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद इसको हम एक साइड रख देते हैं। उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ डालेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला, और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमें इसमें और भी कुछ डालना है जिससे हमारे कटलेट का एकदम से बढ़िया टेस्ट आएगा, तो वो है यहाँ आमचूर पाउडर। ये मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा ही डाला है, और इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। कटलेट हमारे बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बहुत ही स्पाइसी, क्रिस्पी और सॉफ्ट भी। तो सारा मसाला रेडी हो गया है, अब हम इसको एक साइड रख देंगे। इधर हम एक घोल बना के रेडी कर लेते हैं। तो जिसके लिए हमने बाउल में एक चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर लिया है, आप इसकी जगह पे कोई भी मैदा ले सकते हैं, या फिर आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। पर मैंने यहाँ कॉर्नफ्लावर लिया है। तो इसमें हमने डालना है एक पिंच भर के नमक, नमक हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। और अब हम इसका एक पतला सा घोल बना के रेडी करेंगे। तो इसमें हमने पानी डाल दिया है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, इस बात का भी ध्यान रखें आप। और इसमें हमारे जो घोल बन के रेडी होगा इसमें किसी भी तरह की कोई भी गांठ नहीं रहनी चाहिए। सारा घोल हमें अच्छे से मिक्स करते हुए रेडी कर लेना है। अब हम इसको भी एक साइड रख देते हैं। यहाँ हमारा जो मसाला था
उसको हम ले लेते हैं और हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। और ये देखिए आप देख पा रहे हैं किस तरह से मैंने हाथों में ऑयल लगाने के बाद थोड़ा सा मसाला लिया है हाथ में। आप जिस शेप के भी अपने कटलेट बनाना चाहें, लंबे से या फिर गोल से, जैसे भी आपकी मर्जी हो, या फिर आप ये जो आलू की टिक्की होती है वैसे बनाना चाहते हैं, सारे कटलेट हमको इसी तरह से बना के रेडी कर लेना है। शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जो आपको पसंद हो उस शेप में आप कटलेट बना के रेडी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने तो गोल ही कटलेट बनाए हैं, तो सारे कटलेट हमने इसी तरह से बना के रेडी कर लेना है। कटलेट बहुत ही इजी तरीके से बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। नहीं ये है कि मुझे अरे बहुत तीमझाम करना, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, इसके सारे कटलेट इसी तरह से रेडी कर लिए हैं, बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बहुत ही क्रिस्पी। आप इसको चाय के साथ बना के खा सकते हैं या फिर ब्रेकफास्ट में भी बना के खा सकते हैं, आपकी मर्जी है किस तरह से आप खाना पसंद करेंगे। तो एक कटलेट का पीस लेके मैंने इसमें घोल में डाल दिया है, और ये ली है मैंने ब्रेड क्रम्स, और इसी तरह से हमने घोल में डिप करके अपना एक एक कटलेट को घोल में डिप करते हुए हमने उसको ब्रेड क्रम्स के ऊपर रख देना है, और ब्रेड क्रम्स की अपनी कटलेट के ऊपर कोटिंग कर लेनी है। मैंने इसको फ्राई करने के लिए भी बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैंने सोचा कहीं प्रॉब्लम ना हो। आजकल तो सभी लोग वेट लॉस करने में लगे हैं, तो सोचा थोड़ा सा ऑयल का कम ही इस्तेमाल किया जाए और अपनी इच्छाओं को ना मारा जाए खाने के लिए। तो जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं वो लोग भी अब कटलेट खा सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं मैंने कितना कम तेल डाला है, इसीलिए मैंने कम ऑयल की वजह से ही मैंने इसको सैलो फ्राई किया है। तो ऑयल हमने गर्म होने के बाद अपना एक एक कटलेट करके इसमें डाल देना है। गैस का फ्लेम लो रखना है, उलट पुलट करते हुए इनको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। बहुत ही इजी तरीके से हमारे कटलेट बनके रेडी हो जाएंगे। आप टी टाइम मतलब शाम की जो भूख लगती है ना, दिन बहुत बड़ा हो जाता है और बच्चों को शाम को कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए, तो क्यों ना हम ये कटलेट ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी तरीके से ये बनके रेडी हो गए हैं। ये देखिए कटलेट हमारे एकदम से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकालने के बाद हम अपनी कटलेट की प्लेटिंग कर लेते हैं। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम से सॉफ्ट हमारे कटलेट बनके रेडी हो गए हैं। आप इसको सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर चाय के साथ खा सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आप अपने कटलेट किस तरह से खाना पसंद करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कटलेट की रेसिपी कैसी लगी। ट्राई ज़रूर करिए, मेरे तरीके से रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।